क्योंकि ना मैं उसके पक्ष में हो सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो उन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया और घोर तरीके से, उसको कोई माफ नहीं कर सकता। कर आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लाभ प्रेप ट्यूटोरियल द्वारा राजधानी पटना में पहली बार कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां प्रसिद्ध चेहरों में से एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी शिरकत किए और बच्चों को मार्गदर्शन दिए। वहीं उन्होंने बातचीत के दौरान में कहा कि किस तरह से इंदिरा गांधी हों या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी को उन्होंने उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा। एक चीज़ उन्होंने मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान में कही कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ उन्होंने नफरत की भाषा बोली थी, जिसके कारण जो उनके खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़े। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी बातों को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आप पहले वह सुने। नफरत के कारण ने, ने, उस कारण से लड़ा ऐसा कहा था मैंने, या एनीवे वो उन्होंने भ्रष्टाचार की तो मैं वैसे भी करने वाला था, हमसे मीठी बात भी करते तो मैं कर देता, मैं तो इसमें। परंतु हिंदू टेरर जो उन्होंने चलाई, माने हिंदू की आतंकवाद, और राहुल गांधी विक्की लीक्स के अनुसार अमेरिकन एम्बेसडर एम्बेसी जाकर के वहाँ एक ऑफिसर को कहा कि हम लोगों ने तय कर लिया कि लश्कर ए तैयबा उतना भयंकर नहीं है जितना हिंदू टेरर है। तो ये तो बहुत अपमानजनक बात है कि लश्कर ए तैयबा जो देशद्रोही है, हमारे देश के नहीं है और हमारे देश में ट्रेनों को गिराया है, लोगों को मारा है, और उसको हिंदू टेरर जिसका कोई ना कुछ कुछ दस्तावेज है कुछ है, हिंदू टेरर का नाम इतना आसान हो गया उनके लिए, वो दुख पहुंचा। देखिए, इस लोकतंत्र में लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन वो क्या थे सबको पता है, और ये कैसा हुआ उस पर जांच हो रही है, कोर्ट में जाएगी। तो मैं तो वहाँ था नहीं और मुझे इसकी भूमिका भी नहीं पता है, तो इसीलिए जब तक कोर्ट के ज़रिए कुछ आएगा नहीं, मैं इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि ना मैं उसके पक्ष में हो सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया और घोर तरीके से, उसको कोई माफ़ नहीं कर सकता। फिर भी उनका जान लेने के किसी को अधिकार नहीं है, उसको सजा देनी है तो कोर्ट में जाकर उनको सजा मिलनी चाहिए थी जिसके लिए वो ले जाया जा रहा था, तो कहीं से दो लोग आए और उनको पीठ में पीछे से उन्होंने उनको मार दिए। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ये ऐसे घटनाएं हो सकती हैं, उनको ऐसे पैदल ले जाना क्या ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ों पर जाँच करने की आवश्यकता। चुनाव ने कि क्या कुछ कहा बता दें कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि इन दिनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पर हैं और पीएम मोदी तो कहते हैं कि ये दोनों बैलगाड़ी पर हैं। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज फाउंडेशन पटना।